general toxicity means the micronutrient, जैसे मैग्नीज, मॉलिब्डियम, बोरॉन, those are required in small quantity. मगर यदि उनका concentration ज्यादा हो जाए तो they produce the symptoms, disease symptoms produce कर सकते हैं. तो micronutrient must be present less than their limit. If they are more, they causes the problem. For example, मैग्नीज की बात करते हैं. It is so the brown spot with the chlorotic vein on the leaf, मैग्नीज. और इसमें देखा गया कि MM का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा पाया गया जितना होना चाहिए उससे, बिकॉज इट इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट. बट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो फाउंड दैट द प्लांट ऑल्सो शो द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. इवन दो दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इन द सॉइल, सॉइल में इनका एप्रोप्रिएट परसेंटेज था, फिर भी आपका वो डिफिशियंसी मिल रही और इसकी टॉक्सिसिटी. क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दस दिस सिम्टम्स अपीयर्स ऑन द प्लांट आइदर ड्यू टू द मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट और द डिफिशियंसी ऑफ दिस मैक्रोन्यूट्रिएंट. एंड लेटर ऑन रिसर्च इट इज फाउंड दैट मैग्नीज हायर कॉन्सेंट्रेशन, यदि मैग्नीज का हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो वो क्या करता है, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है. मतलब सॉइल में होने के बावजूद भी प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, बिकॉज इट एक्ट एज ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर फॉर कैल्शियम. ये जब ज्यादा होगा तो कैल्शियम के अपटेक को रोकता है. इसका मतलब दिस सिम्टम्स शोन बाय द मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीज और मिनरल टॉक्सिसिटी कुड बी द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई does it is in the deficiency symptoms due to the less absorption of the iron, calcium and magnesium due to more concentration of manganese, or it is in the mineral toxicity. So this is all about the mineral toxicity. Thank you.